Hello students, welcome to the first class on editorial decoded and dissected and discussed. In this class, I will be discussing about the lead editorial. Now, the lead editorial is about the basic needs. Now, very, very important editorial for the day. Now, first of all, we'll be understanding ki basic needs kya hoti hai. And basic needs ko leke citizen or government ka kya relationship hai. And government ki kya responsibility banti hai. Kyunki is editorial ko samajhne ke baad, आपका जो एनालिटिकल पावर है चीजों को एनालाइज करने का एडिटोरियल का वो काफी बढ़ जाएगा. तो इन क्लासेस का बेसिकली पर्पस ये नहीं रहता कि हम कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएं. तो बेसिक पर्पस ऑफ दीज क्लासेस इज टू इंक्रीज योर एनालिटिकल एबिलिटी, चीजों को एनालाइज करने का, जज करने का, और खुद आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएं और खुद चीजों के ऊपर अपना थॉट डेवलप कर पाएं, वो एक पर्पस रहता है इन क्लासेस का. नाउ Before you watch this classes, I will say please do subscribe to the channel that is Brainy IAS. And अगर आपको video class package buy करना है जिसमें पूरी classes हैं, पूरा NCERT classes cover है 6 से लेके 12 तक का, plus आपको books मिल जाएंगी, plus आपको test series मिल जाएगा, plus आपका mains का answer writing evaluation बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो please do place order on brainyias.com for that package. Now when it comes to the basic needs, इस एडिटोरियल ने बेसिक नीड्स के ऊपर फोकस किया है. बेसिक नीड्स क्या है? देखिए, बेसिक नीड्स है हमारा खाना पीना और सिक्योरिटी अपने आप को प्रोवाइड करना कराना. दोज आर द बेसिक नीड्स. एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का भी है कि एक सिटीजन को बेसिक नीड्स वो मुहैया कराएं, प्रोवाइड कराएं. एंड द रीजन फॉर दैट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. See, when it comes to the relationship between a citizen and the government, अगर citizen और government के बीच में अगर relationship देखें तो एक social contract है. Social contract का क्या मतलब है? Social contract है हमने अपनी आजादी का एक हिस्सा खो दिया है और वो हिस्सा हमने सरकार को दे दिया है. And now government is actually utilizing that freedom of the citizens in order to मेक इटसेल्फ अथॉरिटेटिव इन टर्म्स ऑफ कि सरकार अब लॉ लेके आती है, सरकार अब कानून बनाती है एंड वो कानून सबके ऊपर लागू होते हैं. देखिए, आदमी जो है मैन इज एक्चुअली बॉर्न फ्री. हमारे आदमी के ऊपर कुछ भी प्रेशर नहीं है, आदमी के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, आदमी जो चाहे वो कर सकता है जब वो धरती पर आता है. बट यहां का हमारा धरती पे जो सोशल सेटअप है वो उसको पूरा कंप्लीट फ्रीडम नहीं देता, क्योंकि हम किसी देश में पैदा होते हैं. हम जब भी पैदा होते हैं हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है. हम सरकार को कहते हैं कि हम अपना ही कुछ चीजों को खो देंगे, कुछ आजादी को खो देंगे एंड उस आजादी की जगह है इट इज द गवर्नमेंट दैट शुड बी प्रोवाइडिंग अस विद बेसिक नीड्स. कुछ बेसिक जरूरतें जो है हमारी वो सरकार पूरा करे. वो कौन सी जरूरतें हैं? सबसे पहला जरूरत है खाने का, दूसरा जरूरत है पॉवर्टी से निकालने का, गरीबी रेखा में जितना लोग है उसको सरकार निकाले, पॉवर्टी हंगर, उसके बाद में हेल्थ है हमारा, फिर सरकार एजुकेशन प्रोवाइड कराए. नाउ अभी तो भी एजुकेशन पे पहुंच गया हूं, बट पॉवर्टी हंगर एंड हेल्थ, पॉवर्टी हंगर एंड हेल्थ ये तीन बेसिक जरूरतें हैं आदमी की. जब तक आदमी को ये बेसिक जरूरतें नहीं मिलेगी इंक्लूडिंग एजुकेशन, हम अपनी जिंदगी को और बेटर नहीं कर सकते. ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक आदमी को अलाउ करती हैं जिंदगी का आनंद लेने के लिए. सो इफ यू रियली वॉन्ट टू सेवर लाइफ, इफ यू रियली वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ, इफ यू रियली वॉन्ट टू इंडल्ज इन लाइफ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव एक्सेस टू दीज बेसिक नीड्स. नाउ बट व्हेन इट कम्स टू दीज बेसिक नीड्स, रिसेंटली अभी क्या हुआ है, बिहार में बहुत सारा बच्चा, 150 से ऊपर बच्चा इंसेफेलाइटिस का शिकार हो गया है. लगभग 150 मौतें हो गई हैं इंसेफेलाइटिस से. अब इन मौतों का जिम्मेवार कौन है? सरकार को. सरकार को जिम्मेवारी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये क्वेश्चन है जो इस एडिटोरियल ने रेज किया है. एंड बिल्कुल सरकार को इसका जिम्मेवारी लेना चाहिए. एंड द रीजन फॉर दैट इज, सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों लेना चाहिए? बिकॉज हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है गवर्नमेंट का और हमारा.
तो जब तक गवर्नमेंट हमें बेसिक नीड्स नहीं प्रोवाइड कराएगी तब तक हम एक आदमी को एक रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पे हमारा संविधान कहता है कि गवर्नमेंट शुड बी सच जो एक आदमी को लिबर्टी प्रोवाइड कराए और एक इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा प्रोवाइड कराए, और गवर्नमेंट वो है जो सोशलिस्ट होगी हिंदुस्तान में। बट इस तरह की चीजों को देख के लगता है कि सरकार इररिस्पॉन्सिबल है, सरकार सोशल नहीं है, एंड बहुत लोगों के पास ये बेसिक नीड नहीं है। और बहुत सारे फैक्ट्स इस एडिटोरियल के साथ जुड़े हुए, मतलब जो इस एडिटोरियल में मेंशन नहीं है, आई विल ट्राई टू मेंशन इन द पेज दैट वी आर क्रिएटिंग ऑन ब्रेनी आईएएस। तो एक नया पेज क्रिएट कर रहे हैं, एडिटोरियल डीकोडेड एंड डाइसेक्टेड। उस एडिटोरियल पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस एडिट जितना भी मैंने डीकोड किया, आपको 4-5 पॉइंट मिल जाएंगे कोई भी आंसर लिखने के लिए। एक थ्योरेटिकल आपको मिल गया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मेंशन करना है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट अकाउंटेबिलिटी का प्रॉब्लम है, उसके बाद में बेसिक नीड्स कैसे अश्योर कराएंगी, बाकी चीजों को लेना। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्लास। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।